नमस्कार दोस्तों, मैं पायलट सुमित फिर से आप सभी के सामने एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। तो आज की वीडियो में जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं उनकी जानकारी कैसे हासिल हो। तो जैसा कि इसके संबंध में कमेंट्स भी आया था मेरी कुछ वीडियो पे, तो जैसा मैं एक कमेंट्स आपके सामने रख रहा हूं, ज़्यादा नहीं रखूंगा। सर, मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया हूं, जो अभिषेक कुमार सिंह जी का कमेंट्स था। और भी इसी तरह के कुछ कमेंट्स थे कि है ना, कैसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग पाएँ, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके थे। तो देखिए, इसमें हुआ क्या है कि अभी जैसे आपके जितने भी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपको सभी वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं चंडीगढ़, तो ये चंडीगढ़ पे है। मैं होम पेज पर चलता हूँ, तो चंडीगढ़ का जो होम पेज है आरआरबी चंडीगढ़, वो हमारा, चलिए कोई नहीं, मैं सीधे ही खोल देते। ये रहा आरआरबी चंडीगढ़। तो जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं आरआरबी चंडीगढ़, इसमें डेट 11/9/2018 और रिसेंटली अपडेट जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो ये है आपका कि क्लिक हेयर फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन आईडी लेवल 1 पोस्ट। आपको यहाँ क्लिक करना है, ओपन कर लेना। अब मान लो क्या हो रहा है कि कई लोग जो देख रहे हैं क्या कर रहे हैं कि इलाहाबाद पे जा रहे हैं। अब इलाहाबाद ने इसके बारे में कोई अपडेट अभी दिया नहीं है। देखिए, तो इलाहाबाद का कोई दिया है 9/9/2018 लास्ट यही है, जो कि एग्जाम सिटी, एग्जाम सेंटर या एग्जाम डेट को लेकर दी गई जानकारी थी। इसके अलावा जैसे मैं मान लो मैं आरआरबी अजमेर को लेता हूँ, सॉरी आरआरबी अजमेर .gov.in, और इस पर हम लोग देखते हैं तो ये 9/9/2018 ही है। इसके अलावा मैं चंडीगढ़ हो गया, अजमेर हो गया, मैं आरआरबी इलाहाबाद हो चुका है हमारा। तो हम अब चलते हैं आरआरबी भुवनेश्वर। हम भुवनेश्वर आते हैं और भुवनेश्वर की वेबसाइट पर देखते हैं, तो यहाँ पर भी आपको लास्ट 9/9/2018 का ही है। तो आपको करना क्या, ज़्यादा वेबसाइट पर मत भागना। अगर आपके सामने मिल जाता है तो अच्छी बात है, जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँ मे भी शायद ये इनके पास अपडेट हो जाए। तो मैं आरआरबी चंडीगढ़ दोबारा आपको ले चलता हूँ, आरआरबी चंडीगढ़, और सॉरी इलाहाबाद आ गया, चंडीगढ़ पे हम लोग चलते हैं। और आपको करना क्या, सीधे आपको यहाँ टच करना है और आपको सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ और आपकी ईमेल आईडी जो है आपको सबमिट करनी है, और उसके बाद का जो आपका प्रोसेस है वो आपके लिए इजीली, आप उसके बारे में इजीली अच्छे तौर से जानते हैं कि क्या करना है। तो इसके साथ मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए थोड़ी सी भी मदद कर पाई हो, तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें इस तरह की अन्य जानकारी पाने के लिए। और यहाँ मैं एक बात और कहूँगा, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी मदद करें तो ये उन तक ज़रूर पहुँचाएँ शेयर करके, जिससे कि उनको ये इन्फॉर्मेशन पूरी टाइम से मिल जाए। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर बने रहने के लिए फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद।